केमिस्ट्री भाई संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करेगा उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब आई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनके लास्ट दो ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड हो या जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हो। अब हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ये लास्ट दो का क्या चक्कर है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि इसमें दो आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 और इसमें आ सकते हैं 32। तो जब हमने जिंक को देखा तो हम देख सकते हैं जिंक की केवल एक ही सेल पार्शियली फिल्ड है क्योंकि ये फुल फिल हो गई। लेकिन जब हमने स्कैंडियम को देखा तो स्कैंडियम की लास्ट दो शेल पार्शियली फिल्ड है क्योंकि इसमें 18 के बजाय 9 और इसमें 32 की बजाय 2 है। इसलिए स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे और जिंक को नहीं मानेंगे। तो हमारा यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया कि जिंक, कैडमियम और मर्करी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं क्योंकि इनके पास फुल फिल डी ऑर्बिटल होती है। ये आंसर सीबीएसई में चलता है पर मेरे हिसाब से बेटर आंसर यही है कि इनकी दो सेल पार्शियली फिल्ड नहीं होती क्योंकि एजी में या कॉपर में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो बच्चा ऑब्जेक्ट करेगा कि उसमें D10 है फिर भी उसको ट्रांजिशन क्यों मानते हैं। तो दूसरा लॉजिक ये है कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि वो दो वैलेंसी दिखाता है +1 और +2। तो हम इन दो रीजन से देख सकते हैं वो ट्रांजिशन है या नहीं। अब हम चलते हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक वालों का ये होता है N-1 डी में 1 से 10 तक और एस में 2 से 0। इस N-1 का मतलब क्या है कि अगर N की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू 3D होगी, अगर ये 5 है तो ये 4 होगी, ये 6 है तो फिर ये। अब आया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बच्चों, इसे याद रख लोगे तो सारे कॉन्फ़िगरेशन बिना करे ही हो जाएंगे। 3D में कभी भी 3D4 और 3D9 नहीं आएगा और 4D में 4D3, 4D6, 4D9 कभी नहीं आएगा और 5D में 5D8 पॉसिबल नहीं है। और ये लेंथेनाइड का है कि 4F में F2, F8 कोई नहीं आएगा और 6F सीरीज में मतलब एक्टिनाइड सीरीज में 5F1, 5F5, 5F8 कभी नहीं आएगा। अगर आपने ये रट लिया तो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखते ही समझ आ जाएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही नहीं है। और ये बहुत ही ज्ञान की बात है जो आप पहली बार सुन रहे हैं। हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो हमने देखा 3D सीरीज में D4 और D9 नहीं आता तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और 21 होता है तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन S2 चले गए तो ये 20 हो गए और D1 चल गए तो 21। मैं बच्चों आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना 21 तो 2 को S पर रख दो और 1 को D पर रख दो। अब टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना 22 तो 2 को S पे रख दो और 2 को ही D पे रख दो। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना 23 तो 2 को S पे रख दो, 3 को D पे रख दो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना 24 तो हमने क्या किया 2 को S पे रख दिया और 4 को D पे रख दिया। पर हम जानते हैं अभी ऊपर देख कर आए हैं कि D4 3D4 पॉसिबल नहीं है या होता ही नहीं है तो क्रोमियम का कॉन्फिग्रेशन 4S1 3D5 हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि किसमें डी और एस के बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो वो क्रोमियम एलिमेंट होगा। हम आए MN की तरफ, MN का एटॉमिक नंबर 25, 2 को एस पर रख दिया, 5 को इधर रख दिया। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 2 को यहाँ रख दिया, डी को यहाँ रख दिया। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 2 को एस पर रख दिया और 7 को डी पर रख दिया। निकल का एटॉमिक नंबर 28,
2 को S पे रख दिया और 8 को D पे रख दिया और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो S के ऊपर 2 रख दिया और D के ऊपर 9 रख दिया। पर बच्चों हम जानते हैं कि 3D9 होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, S के इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर D में भेजेंगे जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10, और जिंक 30 होता है तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। अब आप देख सकते हैं अगर आपने ये 21 रट लिया तो देखो इसका पूरे का ही 21 है, अगर आपने 22 रट लिया तो इसका पूरा ही 22 है, अगर आपने इसका 23 रट लिया तो सबका 23 होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि 4d3 होता ही नहीं है, इसलिए s वाला इलेक्ट्रॉन कूदकर d में चला गया। ठीक है, अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है ना, तो सबका 24 होगा, लेकिन ये दो एक्सेप्शन दिखाते मोलिब्डेनम, लेकिन टंगस्टन में ये एक्सेप्शन नहीं होता है, टंगस्टन में हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। अब आया एमएन का, तो भैया देखो सबका 25 ही होगा। अब आए 26 में, तो सारे इस सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 26, क्योंकि आयरन का 26, लेकिन भैया 4d6 होता ही नहीं है, इसलिए हमने एस वाले को डी में भेज दिया। अब आए कोबाल्ट का, सबका 27, लेकिन हम जानते हैं ठीक है ना, तो 7 के बाद में अब कितना आएगा, मतलब आपको कोबाल्ट वाले सीरीज का याद करना पड़ेगा। अब आया निकल का 28, तो देखो निकल पीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन 4d9 होता ही नहीं है, तो पीडी में एस वाला एक इलेक्ट्रॉन भी कूदकर डी में चला जाता है, डी वाला इलेक्ट्रॉन भी, और प्लेटिनियम में कितना होगा, 1 8 होना चाहिए था, नहीं 2 8, लेकिन इसमें d8 होता ही नहीं है, ये आपको ऊपर बता दिया था। अब कॉपर का 29 की बजाय कितना होगा, 1 10, तो देखो सबके 1 10, और जिंक का कितना, 2 10, तो सबके 2 10। तो हमने यहां से सीखा कि भैया ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से, 4d वाले, तो अगर आप बड़ा कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो 4d वालों को जरूर पढ़ के जाओ, और 4d में भी कौन सबसे इंपॉर्टेंट, pd, ये अकेला एलिमेंट है डी ब्लॉक जिसके एस में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि 3D में 3D4, 3D9 नहीं होता, 4D में 4D3, 4D6, 4D9 नहीं होता, 5D में 5D8 नहीं होता, और लैंथेनाइड में 5F2 और 5F8 नहीं होता, जबकि एक्टिनाइड में 5F1, 5F5 और 5F8 नहीं होगा। हम चलेंगे आगे, हम चलेंगे यहाँ कुछ आयंस के कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते। हमने देखा क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डी में से पहले निकाल देते हैं, तो देखो इतना तो बच्चों कॉमन है, पहले हमेशा एस से जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एस से गया, तो डी में कितने बचे, 5 में से 2 और गए, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो जाएगा, मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, तो जब s इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d10 हो जाएगा। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7, तो भैया जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले एस से जाएंगे तो 3d7 हो जाएगा। एमएन का कॉन्फ़िगरेशन
4s2 3d5 होता है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो s वाले चले जाएंगे, तो एंड में क्या रह जाएगा, d5। ये आगे हम लैंथेनाइड के साथ में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं साइज की तरफ। जो साइज है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी बात? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा साइज कम हो जाता है और रिपल्सिव फोर्स से साइज हमेशा बढ़ जाता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स होगा किस किस में? अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस में और 4s में, और रिपल्सिव फोर्स किस में होगा? 3d में और 4s इलेक्ट्रॉन। अब 12th क्लास के बच्चों के लिए, स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, तो बच्चों क्या आंसर होगा? क्योंकि न्यूक्लियस और 4s में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है डी की पुअर शील्डिंग पावर की वजह से। अब आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज बराबर रहता है, तो क्या होगा? आयरन कोबाल्ट और निकल में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इन तीन का साइज बराबर होता है। अब कॉपर और जिंक का बढ़ जाता है, तो अब कैसे बढ़ेगा? तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि कॉपर और जिंक में रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा होते हैं, इसलिए कॉपर और जिंक का साइज बढ़ जाता है। अब बच्चा पूछेगा ऐसा क्यों, तो हम देखते हैं डायग्राम्स। ये 3D सीरीज है, ये 3D सबसेल है जो हमने ग्रीन कलर से कर दिया, और जो आउटर एरिया है वो 4s है, ठीक है ना। अब देखो 21 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो जाएगा डी में और प्रोटॉन जाएगा न्यूक्लियस में, और सब जानते हैं डी की शील्डिंग पावर पुअर होती है, तो न्यूक्लियस इस एस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा क्योंकि डी अच्छी तरह रिपेल नहीं करेगा। फिर 22 में एक और हो जाएगा, फिर से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा लेकिन शील्डिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है 3D की। फिर 23 में भी ऐसा ही होगा, और 24 में भी ऐसा होगा, और 25 में भी ऐसा होगा। अब जैसे ही आयरन का कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगा तो आयरन का इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग कर लेगा, और पेयरिंग से रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, पेयरिंग से 3D की रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब 3D इलेक्ट्रॉन 4s को ज्यादा रिपेल करने लगेगा। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में गया तो उससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस पेयरिंग की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर, तो दोनों का साइज करीब करीब बराबर है। अब इससे अगले में क्या होगा, कोबाल्ट में फिर एक पेयरिंग हो जाएगी तो और रिपल्सिव फोर्स बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा तो अट्रैक्टिव भी बढ़ा, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब आए निकल में, निकल में भी क्या हुआ, एक और पेयरिंग हो गई, एक और पेयरिंग होने से फिर रिपल्सिव फोर्स बढ़ा और प्रोटॉन चला गया न्यूक्लियस में, तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। पर कॉपर में सडनली क्या हुआ, कॉपर में सडनली क्या हुआ, सारे के सारे डी इलेक्ट्रॉन्स ने अंदर जाकर पेयरिंग कर ली, तो डी पूरी भर गई। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कॉपर में और एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो सडनली अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और 4s का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा और 3D की शील्डिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए कॉपर का साइज निकल से बड़ा हो जाएगा और जिंक में भी ऐसा ही होगा। अब हम इसका इंपैक्ट देखते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि स्कैंडियम से लेकर MN तक साइज बड़ा, क्यों बड़ा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि 3D की शील्डिंग पावर की वजह से। अब हमने देखा आयरन कोबाल्ट और निकल में साइज बराबर है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डी में जाता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जाता है तो दोनों के इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं जिससे इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब आए थर्ड पर कि कॉपर और जिंक में साइज क्यों बढ़ जाता है, तो कॉपर और जिंक में डी में पेयरिंग पूरी होने की वजह से डी की रिपल्सिव पावर बढ़ जाती है और कॉपर और जिंक का साइज बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साइज को, स्कैंडियम
कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ठीक है ना। इन तीनों में ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहे और फिर से लास्ट वालों में फिर से बढ़। तो अब आ जाए क्वेश्चन 3D में, कौन सा एलिमेंट 3D में कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा होता है। तो कोई भी बच्चा वैसे कहेगा कॉपर, पर निकल इज ए स्मॉलेस्ट एटम। अब बच्चों ध्यान से देखना, जिरकोनियम और इनका हैफिनियम का साइज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बराबर होता है, नायोबियम और टेंटलम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज भी इक्वल होता है। इसके अलावा एजी और गोल्ड का साइज भी इक्वल होता है। तो कितने पेयर हो गए बच्चों, कितने पेयर हो गए, चार, और एक ये ट्राइड हो गया, एक ये ट्राइड हो गया। इसके अलावा एक पी ब्लॉक में और है, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो कुल मिलाकर हमारी पीरियोडिक टेबल में छह पेयर हो गए जिनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, और आजकल एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज बराबर होता है, ये काफी हॉट चल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आया कि आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज बराबर क्यों होता है। तो ट्वेल्थ का बच्चा आसानी से लिख सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो पेयरिंग हो जाती है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाता है जिससे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, पर पेयरिंग की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को काउंटर बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से इन तीनों का साइज, मतलब कोबाल्ट, आयरन और निकल का साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। हम चलते हैं आगे, हम देख सकते हैं कि किस किस का साइज बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिरकोनियम, हैफेनियम, नायोबियम, टेंटलम और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज बराबर होता है। जब साइज बराबर होता है तो इनकी ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर होती है। ये ट्वेल्थ क्लास में आने वाले क्वेश्चन। और पेयर का साइज किसका इक्वल होगा, ये कॉम्पिटिटिव। अब देखते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो एटॉमिक वेट। अब हम देखते हैं, स्कैंडियम में D1 में एक अनपेयर्ड होता है, टाइटेनियम में दो होते हैं, वैनेडियम में D में तीन होते हैं, पर क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन सडनली 4s1 3d5 हो जाता है। तो क्रोमियम में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mn के D में 5 अनपेयर्ड होते हैं, आयरन से D में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आयरन का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर 4 रह जाएगी। कोबाल्ट में दो पेयर बन जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रह जाएंगे। निकल में 3 पेयर बन जाएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और कॉपर में S में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और हम जानते हैं जिंक में 0। तो बच्चों सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा जिंक का। अब कोई पूछेगा जिंक के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं, क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 0 होती है, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो अब बच्चों किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, वो उसका ज्यादा होगा जिसके बॉइलिंग पॉइंट, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो हमने देखा, देखो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 3D। अब इसके बाद किसका आएगा, Mn का। तो हमने देख लिया Mn भी मिल गया, पर यहां पर हमें क्या दिखा कि आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट Mn से ज्यादा है। अब क्यों, तो देखो आपको Mn में खास बात दिख रही होगी कि Mn का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में कम पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए Mn का मेल्टिंग पॉइंट Fe से कम होता है, इसलिए यहां हर जगह एक डिप आता है, तो TC पे भी डिप आता है। TC के लिए एक ज्ञानवर्धक बात, इंपॉर्टेंट बात, TC
डी ब्लॉक का पहला मैनमेड पार्टिकल है या मैनमेड एलिमेंट, और पूरी सारे मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है, क्योंकि ये क्रोमियम फैमिली का है, ठीक है ना। अब इनमें ऑलमोस्ट इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे अनपेड, पर टंगस्टन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूरे डी ब्लॉक में या मेटल्स में सबसे ज्यादा होता है, और जिंक का सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसके बाद जिंक, कैडमियम और मर्करी, तीनों के ही मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। अब पूरी किताब में, पूरे 120 एलिमेंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का होता है 4440 सेंटीग्रेड, और टंगस्टन का होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। 10-20 डिग्री का स्लाइटली वेरिएशन होगा, मैंने इसको होल नंबर में लाने के लिए ऐसा किया। तो आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन और साइज। नेक्स्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और वो है ऑक्सीडेशन नंबर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। मैंने लास्ट यूट्यूब में डी ब्लॉक डिस्कस किया था, डी ब्लॉक में डिस्कस किया था आपसे कॉन्फ़िगरेशन और मेल्टिंग पॉइंट। तो रीकैप फिर से देता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, देखो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक्स है और आप याद देख लो, आपके बहुत काम आने वाली है। क्या? कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो हमने 2 को तो एस पर रख दिया और 1 को डी पर रख दिया, ठीक है। पर उससे पहले बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, 3D में 4 और 9 नहीं आता, 4D में 3, 6, 9 नहीं आता, और 5D में 8 नहीं आता, ओके। तो हमने क्या किया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 2, 10 तक नंबर लिख लिए। अब हमें पता है 3D में कौन कौन से नहीं आते, D4, तो हमने देखा D4 कौन है ये, तो हमने क्या किया, इस 1 को 5 पे ट्रांसफर, 4 पे ट्रांसफर कर दिया। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, इसलिए 1 और 5। फिर हम गए कॉपर में, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 9 है, तो हमने क्या किया, 9 होता ही नहीं है, तो 1 को 9 पे ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया क्या, 4s1 3d। फिर से बताता हूँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 2 को तो एस पे रख दो और 7 को डी के ऊपर रख दो। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन इस 5D में होगा, जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है ना, 28, 29। अब हमें पता है, हमने यहाँ पर अभी अभी देखा था कि 5D में बच्चों D8 नहीं होता, तो हमने देखा यहाँ पे जो प्लैटिनियम था वो 7 के बाद बच्चों क्या आएगा, 2 और 8, पर 8 होता ही नहीं, तो प्लैटिनियम का ये जो 4, 6s इलेक्ट्रॉन था ये 5D में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के बाद ये 10 हो जाएगा, 10 के बाद अब 10 से ज़्यादा तो होते ही नहीं, वापस इसमें आ जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलिमेंट को हम लर्न कैसे करते हैं, ये मुझसे लास्ट वीडियो में छूट गया था, तो अब मैं उसको पूरा करता हूँ। तो हम इसको कैसे याद करते हैं देखना बच्चों, तो 3D सीरीज बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फै को ना क्यों जान जलाती हो। फिर से रिपीट करता हूँ, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फै को ना क्यों जान जलाती हो। अब आए हम 4D सीरीज पर, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा। अब हम आते हैं 5D पर, ला हफ्ता, ला हफ्ता, बरना रे उससे,
इधर पिटाई और होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, ला हफ्ता बरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक वेट के। तो हमने 3D के सामने लिख रखे और 3D में आप देख सकते हैं किस मेटल के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। एक बार CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट 1.1 है, तो क्रोमियम का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 1.6। फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार क्वेश्चन है क्रोमियम का मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रॉन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट 1.1 है, तो क्रोमियम का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, 6.6, क्योंकि हमने 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्रोमियम के 1.1 से मल्टीप्लाई कर। हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती क्या है कि मेटल सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड मेटल गैस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस अकेला हो जाता है, इसको कहते हैं। अब इसमें जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, ये एस और डी के बीच में जो पेयरिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो 12th क्लास का बेसिकली क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होती है, जो इनके मेल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट से दिखती है, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें एस और डी में ओवरलैपिंग होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि जिंक कैडमियम और मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसलिए इनमें मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा और उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डेफिनेट हर साल बोर्ड में, नीट में, जेई में, एडवांस में, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम देखते हैं इसको। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके कोर अनस्टेबल होते हैं। कोर अनस्टेबल का मतलब उनका न्यूक्लियस स्टेबलाइज नहीं होता, तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। अब कोई पूछेगा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसमें डी के तो बच्चों केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एस के दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और आपको आनी ही चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, एस के दोनों या एक, लेकिन डी के सिर्फ और सिर्फ कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। हम चलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखने के। हमारे सामने सारे डी ब्लॉक 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे हुए और ये 4s2 है। तो 4s2 में आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब दो है, और ये हमारा कौन सा है, 3d। हमारा नेक्स्ट है कौन सा, 3d। 3D में हमने अभी बैकएंड छोड़ रखा है, तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका। तो देखो बच्चों, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होता है, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। तो अब बच्चों क्या होता है, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, सबसे पहले S इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब ये S जाएगा तो स्कैंडियम +2 दिखाएगा, फिर ये D वाला भी चला जाएगा तो एक और दिखाएगा, तो +3 दिखा देगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमने टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो जब हमने टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमने देखा कि टाइटेनियम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बच्चों, पहले तो कौन से जाएंगे, एस वाले, तो टाइटेनियम ने +2 दिखाई,
फिर टाइटेनियम ने क्या किया, एक डी का गया तो प्लस थ्री दिखाया, और फिर टाइटेनियम का नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला गया तो टाइटेनियम ने प्लस फोर भी दिखाई। तो हमने देखा टाइटेनियम में दो इलेक्ट्रॉन थे। अब देखते हैं वैनेडियम में का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d3 होता है। तो अब वैनेडियम में सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s। तो देखो वैनेडियम ने प्लस टू दिखाई, फिर डी का ये गया तो प्लस थ्री दिखाई, फिर ये गया तो प्लस फोर दिखाई, फिर ये गया तो प्लस फाइव दिखाई। तो वैनेडियम ने प्लस टू से लेकर प्लस फाइव तक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सडनली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल कर ये हो गया। अब क्रोमियम में क्या होगा, पहले एस इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्रोमियम प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, फिर डी का सेकेंड जाएगा तो प्लस टू, फिर डी से थर्ड जाएगा तो प्लस थ्री, फिर फोर जाएगा तो प्लस फोर, फिर फाइव जाएगा तो प्लस फाइव, और फिर सिक्स जाएगा तो प्लस सिक्स। तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितनी हो गई, प्लस सिक्स। अब आया Mn, Mn का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो अब Mn में सबसे पहले s वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये प्लस टू दिखाएगा, फिर d के एक एक करके जाएंगे तो Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सेवन हो जाएगी। अब आयरन में आप फिर देख सकते हैं कि ये बन गया। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डी के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ एस के दोनों और डी के पेयर्ड करेंगे। तो आयरन में अब देखते हैं, आयरन में पहले प्लस टू गए तो एस के दोनों गए तो प्लस टू बन गया, फिर डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फोर, तो थ्री फोर फाइव और सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, कोबाल्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर कुल तीन ही रह गई। तो सबसे पहले तो एस चले गए तो प्लस टू, और फिर एक एक करके गए तो कोबाल्ट ने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव दिखाई। अब आप देख सकते हैं निकिल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए, निकिल के डी में सिर्फ दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 4s के गए तो दो, फिर ये गया और ये गया तो प्लस थ्री और प्लस फोर। अब हमारे पास फिर से प्रॉब्लम आई क्या कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 होता है, लेकिन एक्सेप्शनल में वो d10 हो जाता है। d10 हो जाएगा तो देखो d तो पूरी भर जाएगी, d पूरी भर जाएगी और जो s इलेक्ट्रॉन थे वो हट जाएंगे, और उसकी जगह कितना रह जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब कॉपर क्या करेगा, पहले तो बच्चों प्लस वन को हटाएगा, पहले तो क्या करेगा प्लस वन को हटाएगा। अब प्लस वन बन गया तो डी का तो कोई पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आजकल बहुत आ रहा है कि कॉपर प्लस को जैसे ही हम पानी में डालते हैं, कॉपर प्लस को जैसे ही पानी में डालते हैं कॉपर का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, और एक कॉपर जीरो में और दूसरा प्लस टू में कन्वर्ट हो जाता है। अब टीचर पूछता है क्यों, क्योंकि कॉपर प्लस टू का साइज प्लस टू आयंस में सबसे छोटा होता है, तो कॉपर प्लस टू की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होती है, इसलिए ये सारा प्रोसेस हो जाता है। अब हम लास्ट चलते हैं जिंक की तरफ। जिंक में हम देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं डी में, तो सिर्फ एस वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और जब एस वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो जिंक सिर्फ प्लस टू ही दिखाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने सीखा कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे डी के जो अनपेयर्ड होंगे, और एस के दोनों। हम इसमें चलते हैं। तो बच्चों स्कैंडियम की प्लस थ्री स्टेबल होती है, टाइटेनियम की प्लस फोर, वैनेडियम की प्लस फाइव, क्रोमियम की प्लस थ्री, Mn प्लस टू, आयरन की प्लस थ्री, कोबाल्ट की प्लस थ्री, निकिल की प्लस टू, कॉपर इंपॉर्टेंट है प्लस वन सॉलिड स्टेट में स्टेबल होगी और प्लस टू एक्वस सॉल्यूशन में, और जिंक की प्लस टू। अब बच्चा हमसे पूछेगा कि भैया इसकी ये क्यों स्टेबल है और इसकी ये क्यों स्टेबल है, तो इन सब के लॉजिक अलग अलग हैं, तो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता हूँ। पहला है आयरन प्लस थ्री ज़्यादा स्टेबल क्यों है। आयरन प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं D5 है, D5 एक सिमेट्रिकल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आयरन प्लस थ्री ज़्यादा स्टेबल होती। अब आया जिंक, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं दिखाता।
वेरी वेल, ऑक्सीडेशन नंबर वही दिखाते हैं जिनके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जिंक के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं और ये नहीं दिखाता वेरी वेल ऑक्सीडेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस कर। तो जिंक, कैडमियम और मर्करी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते क्योंकि इनके पास फुलफिल डी ऑर्बिटल होती है और इनके लास्ट दो सेल पार्शियली फिल्ड नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है। तो जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा हो, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास देख सकते हैं निकिल प्लस टू है और प्लेटेनियम प्लस टू। निकिल प्लस टू की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3.36 इंटू 10^3 क्लोज जूल है, जबकि प्लेटेनियम प्लस की 4.36 है। तो हम देख सकते हैं निकिल प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होगा प्लेटेनियम से, क्योंकि निकिल प्लस टू की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। अब हमने देखा निकिल प्लस फोर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है बच्चों, 10.3, जबकि प्लेटेनियम प्लस फोर की कितनी है 9.3। तो बच्चों कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लेटेनियम प्लस फोर। पर बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको रटना पड़ता है कि क्यों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आया ये कोऑर्डिनेशन का कि K2PtCl6 में कौन और K2NiCl6 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों प्लेटिनियम की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस फोर, और निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस फोर। तो हमने अभी अभी ऊपर देखा है क्या कि निकेल की प्लस फोर अनस्टेबल होती है और प्लेटिनियम की प्लस फोर स्टेबल होती है, इसलिए K2PtCl6 स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, डेफिनेट इस पर क्वेश्चन आ। तो बच्चों जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है ना, तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुआ तो रिएक्टेंट स्टेबल। तो देखते हैं इसको अप्लाई। हमने देखा है Mn+7 और +2 में वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट Mn+2 है, जबकि इसमें वैल्यू नेगेटिव है तो Mn+2 ज़्यादा स्टेबल होगा। या मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही याद कराया था, क्रोमियम की +3, Mn की +2, आयरन की +3 और कोबाल्ट की +3 ज़्यादा स्टेबल होती है। हम देखते हैं एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रोमियम प्लस टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि मैग्नीज प्लस थ्री स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बच्चों हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि क्रोमियम की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है। तो जब क्रोमियम की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है तो ये प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो स्ट्रॉन्ग, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब Mn की बच्चों अभी अभी हमने यहाँ पर भी देखी है, पीछे भी याद करके आए हैं कि Mn की प्लस टू ज़्यादा स्टेबल होती है, तो Mn प्लस टू से प्लस थ्री से प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए Mn प्लस थ्री हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करेगा, जबकि क्रोमियम प्लस टू हमेशा रिड्यूसिंग नेचर का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम आगे चलते हैं, हम देख सकते हैं कोबाल्ट की प्लस टू अनस्टेबल होती है एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कोबाल्ट की प्लस थ्री स्टेबल ज़्यादा होती है। अब हम वहाँ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमारे पास ये कोबाल्ट प्लस टू का कॉन्फिग्रेशन है और कोबाल्ट प्लस टू में आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन T2G में फिलअप है और एक इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप है, एक इलेक्ट्रॉन फिलअप है EG ऑर्बिटल। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब ये अनसिमेट्री आ गई, तो एक तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन है। अगर हम इस आंसर को इसके कॉन्फिगरेशन से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, क्यों, ना तो डी
कोई हाफ फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है ना फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम T2G मतलब CFT में जाकर देखेंगे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, कौन से वाले को, T2G इलेक्ट्रॉन, EG इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जैसे ही EG इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलते ही आप देख सकते हैं T2G सिमेट्रिकली फुलफिल्ड हो जाएगी और कॉपर कोबाल्ट +3 स्टेबल हो जाएगी। तो बच्चों कोबाल्ट +2 एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोबाल्ट +3 बन जाता है। कोबाल्ट +3 में T2G सिमेट्रिकली फुलफिल्ड होती है, इसलिए कोबाल्ट एक्वस सॉल्यूशन में +3 में कन्वर्ट हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि Mn की +2 स्टेबल होती है और आयरन की +2 अनस्टेबल होती है। ओके तो बच्चों इसका आंसर कॉन्फ़िगरेशन से दिया जाता है। हम देख सकते हैं Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसका D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जो एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि आयरन जब लूज करेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड नहीं होगा, क्योंकि उसके पास D6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए Mn का +2 ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की +2 ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा स्टेबल होती है। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं कि जब हम 3D ट्रांजिशन सीरीज या किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में आगे प्रोसीड करते हैं, तो प्रोसीड करने पर क्या होता है कि +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होती जाती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी भी सीरीज में या पीरियड में आगे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जब हम किसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती जाती है, और उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न है हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। यहाँ पे मैं फिर से एक नई इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, निकेल +2 और कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, क्योंकि निकेल +2 और कॉपर +2 का साइज स्मॉलर होने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लोअर होती है, या मींस पानी में डालने पर ज़्यादा हीट रिलीज होती है जो निकेल +2 को स्टेबलाइज कर देती है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ये हमने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, और फिर से पढ़ते हैं एक बार 12th में। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मींस होता है जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाए, तो इस प्रोसेस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने देखा यहाँ पर कॉपर प्लस को जैसे हमने वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ये +2 में कन्वर्ट हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा कॉपर +0 में हो गया तो रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है +2 ज़्यादा स्टेबल है, दो बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कॉपर +2 का साइज छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, जो कॉपर प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करती है। सेम आंसर निकेल +2 में होगा। अब हमारे पास यहाँ पर Mn+3 है, जब हमने Mn+3 को पानी में डाला तो आप देख सकते हैं एक Mn+2 में और दूसरा Mn+4 में कन्वर्ट हो। अब हम चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो NCERT में है। हमने यहाँ पर देखा कि इन तीनों में हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब हमने देखा, अभी अभी बताया था कि अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होते। तो बच्चों हमने देखा तीनों की ही नेगेटिव ज़्यादा है, तो अब तीनों के ही रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होंगे, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब तीनों में भी कौन ज़्यादा नेगेटिव है, तीनों में भी नेगेटिव है Mn की वैल्यू -1.2 वोल्ट, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल +2 कौन सा होगा, Mn+2।
फिर उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल क्रोमियम प्लस टू, और उससे थोड़ा कम स्टेबल Fe प्लस टू। तो अब वो तुमसे पूछेगा मेटल कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी हो जाएगी, Mn, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर आयरन। अब हम इस कंसेप्ट को लगाते हैं प्लस थ्री में, देख सकते हैं हमारे सामने प्लस थ्री है। हमने देखा Mn की वैल्यू पॉजिटिव है और बाकी सबकी वैल्यू, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना। अब ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस थ्री आयंस, प्लस थ्री आयंस। तो बच्चों देखो E नॉट की वैल्यू जिसकी नेगेटिव होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने देखा कॉपर की प्लस थ्री की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या नेगेटिव ही इसी की है, तो क्रोमियम प्लस थ्री इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमने देखा इसमें से आयरन की वैल्यू कम पॉजिटिव है, तो आयरन और थोड़ा सा क्रोमियम प्लस थ्री से कम स्टेबल होगा, क्योंकि Mn की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए Mn का प्लस टू ही ज्यादा स्टेबल होता है। और नहीं तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है क्रोमियम की प्लस थ्री हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी, Mn की प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगी, और आयरन की और कोबाल्ट की प्लस थ्री, या बच्चों जितने आपसे पूछते हैं उनकी सबकी प्लस थ्री स्टेबल होती है एक्सेप्ट Mn की। Mn को छोड़कर क्रोमियम, आयरन, आयरन और कोबाल्ट तीनों की ही प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हर साल डेफिनेट एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर बोर्ड में आता ही आता है। तो आप तैयार हो जाए नेक्स्ट वीडियो के लिए जो बनेगा कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं जनरली कैसे पढ़ाता हूँ कि मैंने थ्योरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है व्हाट। व्हाट का मीन्स है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमेशा कलर कंपाउंड बनाते हैं या खुद कलर्ड होते हैं। अब दूसरा पार्ट है व्हाई, क्यों? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ? जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर डी एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते और जब रिटर्न बैक होते हैं तो कलर दिखाते हैं। तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल होते हैं या उनके कंपाउंड भी कलरफुल होते हैं, एक दो एग्जांपल को छोड़कर। कलरफुल होने के लिए या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कलर्ड दिखाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो डेफिनेट कलर दिखाएगा, तो फिर वो डेफिनेट कलर दिखाएगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कलर दिखाएगा, ठीक है। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होगा तो यहाँ से जंप करके वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब हायर एनर्जी से लौट कर आएगा, जब हायर एनर्जी से लौट कर आएगा तो जो एक्सेस एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वो कलर के फॉर्म में एमिट कर देगा। तो हमें अनपेयर्ड कलर के लिए क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है? हाँ, दो या तीन एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वो कलर दिखाते हैं, और वो एग्जांपल हैं ये KMnO4। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, और ऑक्सीडेशन नंबर 7 में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी ये कलर दिखाता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम के पास में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर भी ये कलर दिखाता है। तो अब इसका रीजन क्या? इसका रीजन क्या होता है कि इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। अब कैसे बनता है? अगर हायर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हायर हुई तो जो लिगेंड इससे जुड़ा होगा जैसे ऑक्सीजन, तो वो अपने लोन पेयर इस Mn में ट्रांसफर कर देगा, तो Mn के पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होती प्लस टू प्लस थ्री,
तो फिर मेटल लिगेंड को देता। तो अब KMnO4 और K2Cr2O7 कलरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये दो इंपॉर्टेंट कलर्ड सॉल्ट हैं जो डायमैग्नेटिक है। अब कोई कलर दिखाएगा तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कलर्ड भी हैं लेकिन डायमैग्नेटिक। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए तो दो प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, वो कलर भी दिखाएगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो इस रेंज में वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो कलर दिखाएगा। अब हम सीखेंगे कौन सा कलर, ठीक है। तो दो थ्योरी चलती है, एक थ्योरी फिजिक्स में चलती है, और फिजिक्स वाली थ्योरी क्या कहती है कि कॉम्प्लेक्स जिस जो कलर दिखाता है वो उस कलर को तो एमिट कर लेता है और बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर यह थ्योरी एग्जाम में काम नहीं आती। एग्जाम में काम आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। और आपके सामने है एक व्हील जिसको हम मुनसेन व्हील कहते हैं। मुनसेन ने ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाया कि ये बिबग्योर से आया, इसमें इंडिगो नहीं है क्योंकि इंडिगो का कलर इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब यहाँ इंडिगो और कलर होगा ऑरेंज और येलो के बीच। तो देखो बच्चों, अगर कोई सॉल्ट ब्लू हुआ तो अब वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? तो वो ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है कि कॉपर का सॉल्ट ब्लू होता है तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा? ये कलर एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज। अगर फ्लोरीन येलो होती है तो वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगी? वो कलर एब्जॉर्ब करेगी वायलेट। अब कोई बच्चा कहता है वायलेट ही क्यों करेगी? क्योंकि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन के अनपेड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वायलेट लाइट ही चाहिए। अब हमने बायोलॉजी में पढ़ा है कि किस कलर में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो बच्चों रेड कलर में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हम रेड कलर प्लांट के ऊपर डालेंगे तो बच्चों उसमें से कैसा कलर निकलेगा? उसमें से निकलेगा ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर निकलने का मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा है। इसका मीन्स कि शायद मे बी रेड कलर क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को इनहेंस कर देता हो। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है क्योंकि ये ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे हम कलर मैचिंग भी कहते हैं। जैसे अगर कोई लेडीज ने रेड सूट पहन रखा है तो दुपट्टा कैसा होगा? दुपट्टा होगा ग्रीन, ठीक है ना। क्यों होगा? रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन। अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को साथ साथ रख देंगे तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स या कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती। अब आए जिंक स्कैंडियम, जिंक प्लस टू स्कैंडियम प्लस थ्री और टाइटेनियम प्लस फोर के सॉल्ट कलरलेस होते। कलरलेस होने का मतलब यह इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। टाइटेनियम प्लस थ्री कलर्ड दिखाता है क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? डी में। अब आया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कॉन्फिगरेशन, कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होती है, और प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर में कॉपर के पास में एक डी इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। ऐसा क्यों होता है? कॉपर, क्योंकि कॉपर का एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम कॉपर से अमोनिया या H2O की रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया H2O की रिएक्शन कराने से लिगैंड कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और कॉपर ब्लू कलर इमिट करने लगता है, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम से ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हम चलते हैं आगे। तो हमने देखा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का क्या होता है कि कॉपर सल्फेट ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ H2O अमोनिया या किसी लिगेंड के प्रेजेंस में ही ब्लू कलर दिखाता है, क्योंकि बिना लिगेंड के कॉपर का एक्साइटेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और कॉपर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाता।
अब हम देख लेते हैं कुछ कलर जो हमको याद हों तो बेटर है। आप देख सकते हैं कोबाल्ट के सारे ही सॉल्ट ब्लू और पिंकिश कलर दिखाते हैं, ये ट्वेल्थ के सिलेबस में भी है। निकल के सारे ही सॉल्ट ग्रीन होते हैं, निकल के सारे सॉल्ट ग्रीन होते हैं और लैब में हमको जो टेस्ट करने को सॉल्ट मिलता है वो ग्रीन होता है। जबकि कॉपर का सॉल्ट हम देख सकते हैं ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। कॉपर का सॉल्ट, जिंक के सारे ही सॉल्ट कलरलेस होते हैं। आयरन इंपॉर्टेंट है, आयरन का जो प्लस थ्री सॉल्ट होता है, आयरन का जो प्लस थ्री सॉल्ट होता है वो येलो कलर का दिखाता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे आता है एवरीडे लाइफ में से कि कपड़ों को धोने के बाद में उसमें कुछ येलो स्पॉट पड़ जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो येलो स्पॉट होते हैं किसकी वजह से बच्चों? आयरन की इम्प्योरिटीज की वजह से। जबकि आयरन प्लस टू ग्रीन कलर का होता है। एमएन के सॉल्ट आप देख सकते हैं, एमएन और क्रोमियम के सॉल्ट तीनों के ही करीब करीब वॉयलेट ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है ना, एमएन प्लस थ्री में। और एमएन का सॉल्ट पिंक कलर का होता है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से आयरन प्लस थ्री येलो होता है, आयरन प्लस टू ग्रीन होता है और निकल प्लस टू ग्रीन होता है, कॉपर प्लस टू ब्लू होता है, ये इम्पॉर्टेंट कलर है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, हम कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी में देखेंगे और कलर जो स्टोन्स होते हैं उनके कलर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वजह से आते हैं। क्रोमियम प्लस थ्री रूबी जो स्टोन होता है जिसको हम हिंदी में माणिक कहते हैं, तो रूबी का रेड कलर क्रोमियम प्लस थ्री की वजह से आता है। कलर लिगेंड, उनकी स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करते हैं। जबकि सैफायर जिसको हम हिंदी में नीलम कहते हैं, सैफायर का कलर ब्लू होता है और वो बेरियम की इम्प्यूटीज की वजह से होता है। तो आप याद रखें, ये क्रोमियम वाला अच्छा एग्जाम्पल है कि रूबी का कलर रेड किसकी वजह से होता है। तो रूबी का रेड कलर क्रोमियम प्लस थ्री की वजह से होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे कमेंट करें और टॉपिक बताएं जिससे मैं आपको टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो दिखा सकूं। आज हम इस YouTube वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आयोनाइजेशन एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी में वैसे तो कोई रेगुलर ऑर्डर होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम की 632, टाइटेनियम की 59, वैनेडियम की 650 और आयरन तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। पर कोबाल्ट में जाकर, ठीक है ना, कोबाल्ट में जाकर कोबाल्ट, निकल और कॉपर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई है और फिर जिंक में जाकर फिर से बढ़ गई है। तो हम इसका पॉसिबल आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयरन की मैक्सिमम होती है और फिर तो 3D में आप मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हुई? आयरन की, ठीक है ना। पर जिंक की इससे भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? जिंक की। मतलब 3D सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है विद सम एक्सेप्शन। अब हम उन एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम आयरन पे आ जाते हैं तो आयरन का कॉन्फिगरेशन होता है 4s2 और 3d6। यहां पर डी में पहली बार पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी बढ़ती है। अब कोबाल्ट में आकर इसका कॉन्फिगरेशन हो जाता है D7। D7 का मतलब क्या हुआ? कोबाल्ट में दो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, तो दो पेयर बन जाते हैं जिससे डी इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करते हैं, तो एस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है और कोबाल्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाता है। अब निकल में क्या होगा? तीन पेयर बन जाएंगे तो निकल में रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो निकल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कोबाल्ट के कंपैरिजन में और कम हो जाएगी। अब कॉपर में कॉन्फिगरेशन होता है क्या?
3d9 4s2, लेकिन s इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है तो s में इलेक्ट्रॉन एक ही रह जाता है। तो अब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स था वो पहले दो इलेक्ट्रॉनों में शेयर हो रहा था, कॉपर के दो निकल में दो इलेक्ट्रॉन पे शेयर हो रहा था, लेकिन कॉपर में आते ही वो सारा का सारा अट्रैक्टिव फोर्स एक ही इलेक्ट्रॉन पर शेयर हो रहा है। तो अब 4s इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और साथ के साथ पेयरिंग भी d10 हो गई तो रिपल्सन भी बढ़ेगा। पर नेट जब हम वैल्यू देखते हैं स्लेटर कांस्टेंट से तो कॉपर की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो कॉपर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकल से ज़्यादा होती है और एंड में जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्योंकि जिंक स्टेबल कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम चलते हैं 4d सीरीज में। 4d सीरीज में आप देख सकते हैं कि जो pd है, जो pd की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो pd की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ज़्यादा होने का रीज़न क्या होगा? क्योंकि pd में s का इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन d में से जाएंगे और d फुलफिल्ड हो जाता है जिससे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है और pd की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4d सीरीज में मैक्सिमम हो जाती है। अब हम चलते हैं 5d सीरीज में। 5d सीरीज में हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी मरकरी की होती है क्योंकि मरकरी में स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? फर्स्ट फाइव एलिमेंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी धीमे धीमे बढ़ेगी और फिर सडनली चेंज आएगा और वो अलग अलग होगा। तो आयरन पे चेंज आएगा तो अब कॉम्पिटिटिव के लिए आयरन, MN और कोबाल्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जबकि 4d सीरीज में जो इम्पॉर्टेंट होगा वो pd का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी और 5d में मरकरी और इरिडियम के सबसे ज़्यादा है और मरकरी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे d ब्लॉक में हाईएस्ट होती है। अब हम एक 12th क्लास का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 12th क्लास का क्वेश्चन है कि जब हम सीरीज में आगे चलते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर और मोर स्टेबल होती जाती। अब कोई पूछता है इसका रीजन क्या है? तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ओवरऑल बढ़ती है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में हम डिफिकल्टी फेस करते हैं, इसलिए किसी भी सीरीज में आगे जाने पर +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है और हायर ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज करती है, ठीक है ना? जबकि शुरू वाले एलिमेंट सिर्फ हायर ऑक्सीडेशन नंबर ही दिखाते हैं। तो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में समरी में क्या सीखा कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है ना? अब कोबाल्ट निकल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनल करेक्टर दिखाता है। उसका रीजन है 3d में पेयरिंग होने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है जिससे निकल और कोबाल्ट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है और जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3d में सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है ना? 4d में pd की आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टेबल कॉन्फिगरेशन की वजह से हाईएस्ट होती है और 5d सीरीज में मरकरी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटालिक नेचर। हम देख सकते हैं मेटालिक नेचर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मींस क्या हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट से कम मेटालिक होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा मेटालिक नेचर होते हैं। तो मेटालिक नेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनका कॉम्प्लेक्स नेचर पढ़ेंगे।
डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स नेचर या किसी का भी कॉम्प्लेक्स नेचर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि उनका साइज छोटा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बैकेंड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, पर बच्चों लिथियम और बेरिलियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, पर उनके पास डी होती ही नहीं है, तो ये आंसर इररिवेलेंट हो जाएगा और मतलब ठीक नहीं है कि उनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए। बैकेंड डी ऑर्बिटल एक सब्सिडरी आंसर है जो उसमें हेल्पफुल होता है कि अगर ऑर्बिटल बैकेंड भी है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कंडीशन बढ़ जाती है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस बनाऊंगा और पहली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है AgBr की रिएक्शन हाइपो के साथ में। इस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सिंग की तरह। तो जब हम AgBr की रिएक्शन हाइपो से कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फोटोग्राफी में हाइपो AgBr से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और कॉम्प्लेक्स ये बनता है, इसका नाम होता है सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, और ये लाइट सेंसिटिव नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपो का फोटोग्राफी में क्या यूज है, ये फिक्सिंग की तरह काम करता है। अब आए हम गोल्ड की KCN से रिएक्शन। ये हम गोल्ड की मेटलर्जी में भी देख चुके हैं कि जब AuKCN की रिएक्शन हम ऑक्सीजन और H2O से करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम फर्दर जिंक से कराते हैं तो जिंक वॉलाटाइल और रिएक्टिव मेटल है तो गोल्ड को डिस्प्लेस करके कॉम्प्लेक्स बनाती है और गोल्ड फ्री हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो कॉपर सल्फेट का लाइट ब्लू कलर या वाइट कलर डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि अमोनिया एक पावरफुल लिगेंड है। तो जब ये मेटल को लिगेंड जब मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो कॉपर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है और कॉपर का इलेक्ट्रॉन आसानी से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। हम चलते हैं, ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KCN से कराते हैं। आई थिंक ये NCERT के 13 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन का आंसर है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो K2 ठीक है ना, और कॉपर आ जाएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉपर लगाते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जो आपके सामने है। अब इसमें बच्चा कहेगा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि NCERT की जितनी भी बुकों में आंसर दिए हैं उन सब में ये K2 दे रखा है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर को उन्होंने चेंज नहीं किया है। लेकिन सही ये है कि कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं 2 से चेंज होकर 3 हो जाती है, सॉरी पोटेशियम के नंबर 3 हो जाती है और कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर सल्फेट में +2 है और ये +1 हो जाती है। तो अगर हम CBSE के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे करेंगे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसमें दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है CN2 जो एक साइनोजन जिसका नाम है और इसको हम स्यूडो हाइड्रोजन कहते हैं, स्यूडो हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है जे एडवांस के लिए और ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ के बच्चे ध्यान रखें, सिंपल से आपको सिर्फ K2 से ही करना है, नहीं तो टीचर काट देगा। हम कुछ रिएक्शन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस कर लेते हैं। H2S एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब हम H2S की रिएक्शन कोरेसिव सब्लिमेट के साथ करते हैं तो हमें HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, ये सेकेंड ग्रुप एनालिसिस में काम आती है। फिर SnCl2 बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैलोमल को मरकरी में डिपॉजिट कर देता है, ठीक है ना। दूसरा KIB स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, जब हम KI की रिएक्शन HgCl2 के साथ में कराते हैं
एच जी सी एल टू के साथ में कराते हैं तो हमें एच जी आई टू मिल जाता है, और एच जी आई टू की रिएक्शन फिर से के आई के साथ कराने पर हमें के टू एच जी आई फोर मिलता है जो नेस्लर रिजेंट का काम करता है। पर बच्चों साथ में के ओ एच का होना जरूरी है, और ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। जेड एन सल्फेट और बी ए एस ओ फोर, जेड एन एस और बी ए एस ओ फोर को मिलाकर हम लिथोपोन कहते हैं और इसको वाइट पिगमेंट की तरह यूज करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जनरली वाइट कलर को जब हम एयर में रखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है, लेकिन जेड एन एस का वाइट कलर सल्फर की वजह से ही है। तो अगर हम जेड एन एस के वाइट पेंट को यूज करेंगे तो उसमें ब्लैक कलर डेवलप नहीं होगा, इसलिए लिथोपोन एक महंगा वाइट पिगमेंट है और यूज करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलॉय फॉर्म। तो जब हम एलॉय बनाते हैं तो एक मेटल के लैटिस में एक मेटल को रिप्लेस करके दूसरे मेटल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह के एलॉय फॉर्मेशन को हम सॉल्यूशन कहते हैं, और ये सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी के 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ। तो हमने क्या किया, अब इनको मिला कैसे सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के लैटिस में इनको मिला सकते हैं। जब हम कॉपर में जिंक मिला देते हैं तो इससे ब्रास और हिंदी में पीतल बन जाता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कॉपर से अलग होती है। लेकिन जब हम उसी कॉपर में टिन मिला देते हैं तो हमें ब्रॉन्ज मिल जाता है। अब ब्रॉन्ज और ब्रास में से कौन सा मटेरियल कुकिंग के लिए बेटर है, तो ब्रॉन्ज या जिसको हिंदी में कांसा कहते हैं बेटर है, क्योंकि हम पीतल के बर्तन में नींबू नहीं निचोड़ते, क्योंकि नींबू का जो एसिड है वो जिंक से रिएक्ट करता है, जबकि टिन ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। तो नीट का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा मेटल ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। और थर्ड अलॉय है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए हम कॉपर जिंक और निकल को मिलाते हैं, पर इसमें सिल्वर 0% होती है। तो क्वेश्चन आता है किस सिल्वर अलॉय में सिल्वर 0 होती है, तो इसका आंसर है जर्मन सिल्वर। एक नोट की बात, कुछ बच्चे स्टील को अलॉय समझते हैं पर ये आयरन के फॉर्म है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, सोल्डर और फ्यूज वायर। ये फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, टिन और लेड को मिलाने से हमें लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल मिलती है, जिसको हम सोल्डर और फिजिक्स में उसको फ्यूज वायर की तरह यूज करते हैं। अब डी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो हम देखते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल के बीच में आप देख सकते हैं ये वैकेंट स्पेस है, ठीक है ना। ये वैकेंट स्पेस में जब कोई छोटे मेटल्स या छोटी गैस आकर फंस जाती है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। हिंदी में इसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट या गैस इसके बीच लैटिस में घुसी है उसने इससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्क हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। जैसे निकल के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है, तो जब हम निकल हाइड्रोजन के अलॉय को गर्म करते हैं तो वो हाइड्रोजन एक्टिव होकर निकलती है और रिडक्शन करती है। जब हम आयरन पर आयरन और कार्बन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बन आयरन के इस लैटिस के बीच में घुस जाती है और कास्ट आयरन बनाती है। अब ये गैप जब बच्चों खत्म हो जाएगा तो स्टील क्या होगी, हार्ड होती जाएगी। तो जितना कार्बन में आयरन में स्टील कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, आयरन हार्ड होता जाएगा। बिल्कुल जस्ट ऐसे है कि जैसे किसी बच्चे को हम सीमेंट खिला दें, तो सीमेंट खिलाएंगे तो वो इसके स्टमक में जाकर सॉलिडिफाई हो जाएगा और इंटर स्पेस जो खाली जगह है उसमें भर जाएगा। तो अब बच्चों पेट कैसा हो जाएगा, उसका पेट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर अगर हम उसको मारें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट हमारा चलता है रेने निकल क्या होती है।
रेने निकल क्या होती है, ये ऑर्गेनिक में काम आती है। जब हम निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो 200 डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम इस निकल को कोलाइडल निकल लें, उस कोलाइडल निकल का नाम ही रेने निकल होता है, तो रूम टेम्परेचर पर ही बच्चों रिडक्शन हो जाता है। तो रेने रिडक्शन बोलते हैं, रेने रिडक्शन में हम कोलाइडल निकल यूज करते हैं। और कोलाइडल निकल बनाने के लिए हम निकल और एल्यूमिनियम की अलॉय की रिएक्शन KOH से कराते हैं। जब इससे कराते हैं तो हमें जो निकल मिलती है उसका नाम होता है रेने निकल। आज डी ब्लॉक पूरा ख़त्म हो गया है, तो मैं कुछ दिनों बाद डी ब्लॉक की सारी वीडियो को मिलाकर एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक साथ भी देख सकते हैं। क्योंकि एक साथ वीडियो देखने में क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको कंसेप्ट का पता लगता है। जो कंसेप्ट मैंने एक वीडियो में बताया था वो दूसरे में भी अप्लाइड है, तीसरे में भी अप्लाइड है, और फोर्थ में भी अप्लाइड है, और फिफ्थ में भी अप्लाइड है। इससे आपका कंसेप्ट पर विश्वास बढ़ता है और आप भी सीख पाते हैं कि हाँ, यही कंसेप्ट पूरे डी ब्लॉक में या पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सो मेटल एनायन है। ऑक्सो मेटल एनायन का मींस होता है कि इसमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच में आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, और जितने ऑक्सो ग्रुप ज़्यादा होते हैं उतना ही मेटल या कोई भी कंपाउंड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो हम बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe Cr2O4। और जब हम इसकी रिएक्शन Na2CO3 या NaOH के साथ में एयर की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्रोमाइट ओर से एक Fe2O3 मिलता है और दूसरा NaCr2O4। इसको हम सोडियम क्रोमेट कहते हैं। सोडियम क्रोमेट का कलर येलो होता है। जब हम इस सोडियम क्रोमेट के सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं तो H2SO4 इसको कन्वर्ट कर देता है सोडियम डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। सोडियम डाइक्रोमेट को हमें कन्वर्ट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl से कराते हैं। KCl सोडियम को रिप्लेस कर देता है क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है और हमें ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मिलता है जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7 और कलर होता है ऑरेंज। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है तो फिर ये कलर क्यों दिखाता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो बच्चों इसमें एक डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी कहता, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के बैकेंड डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, तो इसमें एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है जिसको हम कहते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ऐसा ही क्रोमेट आयन में भी होता है। क्रोमेट आयन में भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें भी लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है, 1 हुई 2 हुई, तो फिर मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है। एग्जाम्पल जैसे CO2। यहाँ पर एक क्वेश्चन NCERT का है और जो इम्पॉर्टेंट भी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमेट पर pH का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम से ट्रीट कराते हैं, मतलब pH हाई लो कर देते हैं, तो येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में येलो कलर ऑरेंज में चेंज हो जाता है, और जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ऑरेंज कलर फिर से येलो में चेंज हो जाता है।
अब कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस पीएच पर इक्विबिलियम आता है, तो 4 पीएच अगर होगी तो फिर इक्विबिलियम आ जाएगा। इक्विबिलियम का मीन्स है ऑरेंज और येलो कलर एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है कि अगर हम सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराएं तो भी क्या ऑरेंज कलर बनेगा? नहीं, ऑरेंज कलर 4 पीएच के नीचे बनेगा और येलो कलर 4 पीएच के ऊपर बनेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड की पीएच 4 से ज्यादा होती है, इसलिए एसिटिक एसिड या कोई भी वीक एसिड के साथ में ऑरेंज कलर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सॉल्युबल इन वाटर है लेकिन हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 671 केल्विन होता है। हम डिस्कस करेंगे अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बोल रहा हूं, हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं सबसे पहले हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो ये ब्रेक होकर पोटेशियम क्रोमेट और Cr2O3 का ग्रीन कलर देता है और पोटेशियम क्रोमेट का येलो कलर बन जाता है और Cr2O3 का ग्रीन कलर बनता है। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KOH के साथ में बेसिक मीडियम में कराते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर पीएच 4 से ज्यादा हुई तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा और ये पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा और पोटेशियम क्रोमेट का कलर जिस कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो होता है येलो। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देख सकते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों में ही रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों ही ऑक्सीजन रेजोनेंस में आएंगे, इसलिए इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इधर से इक्वल हो जाएगी और इधर से इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी। लेकिन जो ब्रिज ऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड लेंथ बाकी 6 ऑक्सीजन से अलग होती है, तो डायक्रोमेट आयन में 6 क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जबकि आप देख सकते हैं क्रोमेट में 4 क्रोमियम और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, जो किसी एग्जाम में अभी नहीं आया है। अब हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन KMnO4 के कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 है, जबकि KMnO4 के एसिडिक मीडियम में वैल्यू होती है 1.51 और न्यूट्रल मीडियम में उसकी वैल्यू होती है 1.69 और बेसिक मीडियम में होती है 0.69। इसका मीन्स क्या हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी भी मीडियम में KMnO4 से कम ऑक्सीडाइजिंग होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या बच्चों, हमें ये रिएक्शन याद करनी पड़ती है जो हमने 11th में रिडॉक्स में पढ़ी थी कि क्रोमेट की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो डाइक्रोमेट हमेशा क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है और ये 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 3, क्योंकि डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है इसलिए 3 और 3 मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अब बच्चों हमने ये रिएक्शन याद कर ली है और ये हमें इसकी रिएक्शन पूरी करने के लिए जरूरी है। अब मैं आपको रिएक्शन का एक कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक में आपको काम आएगा, तो वो कंसेप्ट क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल इक्वेशन है, अगर आप इनको याद कर लें तो आप देख सकते हैं आप पूरी इनऑर्गेनिक के सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को कर सकते हैं। Fe+2 जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा ये +3 में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमने सल्फाइड की रिएक्शन कराई तो फिक्स सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सल्फर की रिएक्शन कराई तो पहले सल्फर SO2 बनेगा और फिर SO2 SO3 में और फाइनली सल्फेट तक जा सकते हैं।
जब हम 10 प्लस 2 की रिएक्शन करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा 10 प्लस 4 में। जब हम ऑक्सलेट की रिएक्शन करेंगे, ऑक्सलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बच्चे को हर हालत में आनी ही चाहिए, तो ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम किसी हेलोजन मतलब एक्स माइनस की रिएक्शन कराते हैं जैसे Cl- I- तो ये डेफिनेट I2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हमने I2 की रिएक्शन कराई तो वो फिर सीधा ही XO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका यूज। तो Cl- का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये Cl2 में कन्वर्ट होगा, I- का किया तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और डेफिनेट यही ज़्यादातर एग्जामों में पूछी हुई है कि अगर I- एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करता है तो सीधा ही IO3- में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एल्कलाइन नहीं होगा तो I- से हमको मिलेगा I2। NO2- का अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएं तो NO3 बन जाएगा, सल्फाइड से हमें सल्फेट मिलेगा, मैग्नीज Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और थायोसल्फेट से हमें सल्फेट मिलेगा। अगर हमने ये रिएक्शन याद कर ली तो हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाता हूँ, अगर हमने K2Cr2O7 की रिएक्शन कराई तो Fe+2 फिक्स +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने KMnO4 से कराई तो भी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने ओजोन से रिएक्शन कराई तो भी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमने H2O2 से कराई तो भी Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इन रिएक्शंस को याद कर लें तो ये इनऑर्गेनिक में कम से कम 100 रिएक्शंस हैं जो हम एक चुटकी में कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करने। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन Fe+2 से कराई तो हम देख सकते हैं Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये रिएक्शन हमें याद है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 14H और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में 2Cr+3 7H2 बनाता है, पर बच्चों डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने आयरन वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख दिया। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और ये इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई। कैसे? Cr2O7 14H+, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था आयरन को, इसलिए 6 Fe+2 2Cr+3 6 Fe+3 और 7H2। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Ki से। Ki में I की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और -1 में आयोडीन I2 में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। ये रिएक्शन अभी अभी हमने पहले याद करी है, Cr2O7 14H+6 ठीक है ना, से रिएक्ट करके 2Cr+3 बनाता है ठीक है ना। अब क्योंकि क्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो आप देख सकते हैं Cr2O7 और ये 6I-3I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो H2S के साथ में। हमने अभी अभी यहाँ देखा है कि सल्फाइड की जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो सल्फाइड S में बदल जाता है, तो सल्फाइड देखो सल्फर में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बेस इक्वेशन को हमने ऊपर से उठाकर यहाँ रख दिया। तो हमने देखा सल्फर -2 हमेशा सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि डाइक्रोमेट को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। जब हमने Sn+2 की रिएक्शन करी, हमने यहाँ Sn+2 को देख रखा है, Sn+2 हमेशा Sn+4 में कन्वर्ट होता है और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशनों को एक साथ अटैच कर देंगे।
अब आया हमारे पास ऑक्सलेट, जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम ऑक्सलेट की रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं फिक्स CO2 में कन्वर्ट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देख सकते हैं जब हमने NO2 की रिएक्शन करी तो NO2 हमेशा NO3- में कन्वर्ट होता है, क्योंकि NO3 में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो एक ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हमने एक H2O से रिएक्शन करा दी, तो हमें NO3 मिला, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +5 हो गई है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए और H2O में से 2 H आ गए, क्योंकि डाइक्रोमेट को हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया और 6 H से 14 H को कैंसिल करके दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 12th एनसीईआरटी में नहीं है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमें एक ब्लू परक्रोमेट मिलता है जिसका नाम है, जिसका फॉर्मूला है CrO5। और CrO5 हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है कि इसमें 4 परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की लास्ट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और ये क्लोराइड आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन देता है, ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें भी आयोनिक क्लोरीन होगी वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है, मतलब KCl देगा, NaCl देगा या BaCl2 भी देगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि उसमें आयोनिक क्लोरीन नहीं होती। जब हम किसी आयोनिक क्लोरीन क्लोराइड मतलब NaCl की रिएक्शन K2Cr2 और H2SO4 से करते हैं, और ये लैब में क्लोरीन के कन्फर्मेटरी टेस्ट में काम आता है, तो क्रोमाइल क्लोराइड की रेड ऑरेंज वेपर्स बनने लगते हैं। इन रेड ऑरेंज वेपर्स को हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रखकर उसमें एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब उसमें हम NaOH डालते हैं, तो टेस्ट ट्यूब का कलर या टेस्ट ट्यूब में येलो सोल्यूशन बन जाता है, और उस येलो सोल्यूशन को हम एसिटिक एसिड से डाइल्यूट करके या एसिटिक एसिड ऐड करके जब उसमें लेड एसिटेट डालते हैं तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कन्फर्म करता है क्लोराइड की प्रेजेंस को। तो बच्चों ये आपके लैब में काम आएगा, क्लोराइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट। और क्लोराइड का प्रीमिलरी टेस्ट होता है कि जब हम सॉल्ट में डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्लोराइड की बहुत ही पंजेंट स्मेल निकलती है, जिसको सूंघने से आंखों में आंसू आने लगते हैं। और हम चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ, और पोटेशियम डाइक्रोमेट फिनिश हो जाएगा। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं, लेकिन हम सोडियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या बच्चों, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट एक डेलिक्यूसेंट सब्सटेंस है। डेलिक्यूसेंट का मतलब है जब हम इसको रख देंगे तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो अगर हमने इसको रात भर रख दिया तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम बन जाएगा और उससे इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी और इसका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हम K2Cr2O7 का सोल्यूशन बनाने के लिए इसमें H2SO4 डालते हैं, क्योंकि H2SO4 इसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है, लेकिन HCl नहीं डालते जबकि दोनों एसिड है। H2SO4 को पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि H2SO4 में सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन ये HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए बच्चों ये बायबा में भी पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन HCl के बजाय H2SO4 में क्यों बनाते हैं। अब आया लास्ट क्वेश्चन कि H2SO4 क्यों ऐड करते हैं। H2SO4 डालने से K2Cr2O7 की क्रोमिक एसिड में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है।
तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट समाप्त एंड हो गया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा पोटेशियम परमैंगनेट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं KMnO4 की प्रिपरेशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। KMnO4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ के रेस्पेक्ट से और कॉम्पिटिटिव के रेस्पेक्ट से। तो KMnO4 को जब हम बनाते हैं तो KMnO4 के लिए हम यूज करते हैं पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला आता है MnO2। ट्वेल्थ क्लास के लिए क्वेश्चन होता है कि पायरोलुसाइड से हम KMnO4 कैसे बनाएंगे। तो पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या, MnO2। अब हमने क्या किया, पायरोलुसाइड की रिएक्शन बेसिक मीडियम में KOH के साथ एयर की प्रेजेंस में कराई। जब हम इसकी एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो पायरोलुसाइड मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और पोटेशियम मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर 6 होती है और इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो हमारा बन गया है क्या, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बनाने का एक दूसरा मेथड भी है और इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को KOH की प्रेजेंस में KNO3 और एयर से ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट में रिएक्शन है तो हमें MnO4-2 बन जाता है और MnO4-2 का कलर कैसा होगा, ग्रीन। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने मैग्नेट आयन बनाया है या मैग्नेट कंपाउंड बनाया उसको हम परमैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैग्नेट से परमैग्नेट में कन्वर्ट करने के दो या तीन मेथड हैं, तो हम देखते हैं वो दो और तीन मेथड कौन से हैं। जब हम KMnO4 की रिएक्शन Cl2 से करते हैं तो Cl2K2MnO4 मतलब मैग्नेट को परमैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है और खुद KCl में कन्वर्ट हो जाती है। ट्वेल्थ के बच्चों को ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। अब कॉम्पिटिटिव वालों के लिए क्या, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये तो पोटेशियम मैग्नेट है, ये क्लोरीन और ये पोटेशियम परमैग्नेट, इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि Cl2 ने K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्लोरीन मैग्नेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। हम इसके चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड में क्या होता है, जब हम परमैग्नेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेट होने की शर्त ये है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ना तो हाईएस्ट होनी चाहिए और ना ही लोएस्ट होनी चाहिए। मींस मैग्नीज 7th ग्रुप का एलिमेंट है तो +7 में इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, लेकिन 7 से सारी जो कम ऑक्सीडेशन नंबर होंगी उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो जब हम MnO4-2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो एक तो हमें MnO4 परमैग्नेट मिल जाएगा, दूसरा MnO2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये MnO2 इसमें इम्प्यूरिटीज की तरह एग्जिस्ट करता है, इसलिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो KMnO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं। ये JEE में आने वाला आ चुका क्वेश्चन है कि KMnO4 और K2Cr2O7 में से हम किसको एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड लेंगे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लेते हैं K2Cr2O7 को और KMnO4 को नहीं लेते, क्योंकि KMnO4 में बाय डिफ़ॉल्ट MnO2 की इम्प्यूरिटीज होती है, तो जो हम मोलैरिटी यूज करेंगे वो गलत आएगी और टाइट्रेशन गलत हो जाएगा। बिल्कुल प्योर परमैग्नेट बनाने का मेथड है कि हम MnO4 की रिएक्शन इलेक्ट्रिक मीडियम में कराते हैं। जब हम मैग्नेट की रिएक्शन इलेक्ट्रिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मैग्नीज +6 से +7 में कन्वर्ट हो जाता है और +7 में इसका नाम परमैग्नेट होता है। यहाँ पर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात और, सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है,
केमिकली सबसे स्ट्रांग होता है H4XeO6, जिसकी वैल्यू 3.05 होती है, और उससे कम होता है फ्लोरीन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा स्ट्रांग ना तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ना ही कोई स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो हमने KMnO4 बना लिया है, तो Mn की ऑक्सीडेशन हुआ, MnO4 नेगेटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन बनेगा, जिसको हम कहेंगे पर मैग्नेट। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। हम इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये एक पर्पल वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कोल्ड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल और हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो जब हम KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं, हीट करने पर यह पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह डिकम्पोज हो जाता है और पोटेशियम मैग्नेट MnO2 और O2 देता है। पोटेशियम मैग्नेट का कलर ग्रीन होता है, जबकि MnO2 का कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन होता है, तो कुछ लोग इसको कलरलेस भी बोल देते हैं। ठीक है, जब हम KMnO4 की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं, तब भी ये ग्रीन कलर के पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम KMnO4 को हीट करें या एल्कली से रिएक्ट कराएं तो ये ग्रीन कलर के मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि pH का क्या इफेक्ट। तो बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर दिखाएगा, जबकि एसिडिक मीडियम में ये वायलेट हो जाएगा। अब आइए इसकी स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। लेकिन अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे चले जाएं, क्योंकि मैग्नीज में एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है ना, तो हम इसकी 3d को यूज कर लेते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp भी होती है, ds या फिर sp3। 12th लेवल पर sp3 और 12th लेवल पर sp3 और कॉम्पिटिटिव लेवल पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी d3s। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीजन के साथ दिखाएगा या फिर फ्लोरीन के साथ दिखाएगा, ठीक है ना। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, फ्लोरीन की 4.0 और ऑक्सीजन की 3.5। अब इन दोनों में से पूछ ले किसके साथ ज़्यादा स्टेबल होगी, तो कोई भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो ये मेटल के साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेता है, जिससे मेटल की हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के साथ में स्टेबल हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। KMnO4 अलग अलग 3 मीडियम में रिएक्ट करता है, और पहला मीडियम होता है एसिडिक। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो E0 सेल है उसकी वैल्यू 1.51 वोल्ट होती है। जबकि न्यूट्रल मीडियम में MnO4 3 इलेक्ट्रॉन और 2 H2O के साथ में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और 4OH, और इसका E0 की वैल्यू 1.69 है और इसमें बनता है MnO2। और बेसिक मीडियम में KMnO4 या MnO4 नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर MnO2-2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसका पोटेंशियल 0.56 वोल्ट होता है। इसका मतलब हमने यहाँ देखकर सीखा कि सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये न्यूट्रल मीडियम में होगा, उसके बाद एसिडिक मीडियम में, और सबसे कम बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम चॉइस में नहीं हो तो हम उसको न्यूट्रल ही मान लेते हैं, मतलब बेसिक और न्यूट्रल को एक मान के भी प्रॉब्लम की जाती है। अब इम्पॉर्टेंट बात कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 158 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट 31.6 हो जाएगा। जबकि न्यूट्रल मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट 158 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू होगा 52.6।
और बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट 158 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करता है। पर बच्चों अगर 158 बेसिक में नहीं दिया है तो हम न्यूट्रल को ही बेसिक मानते हैं, और ये क्वेश्चन सारे ही एग्जामों में पूछा जा चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में K2Cr2O7 में आपको बताया था कि Fe+2 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में Fe+2 में कन्वर्ट होता है, S-2 सल्फर में, सल्फर हुआ तो SO3 तक जाएगा, SN+2 हुआ तो SN+4, और ऑक्सलेट हुआ तो हमेशा CO2 बनेगी, X- हुआ तो X2 बनेगी, X- हुआ तो XO3 बन जाएगा, अगर Cl- हुआ तो बच्चों Cl2 बन जाएगा, जैसे I- से I2 बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि आयोडीन माइनस एल्कलाइन KMnO4 के साथ सीधा ही IO3- में कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को आना चाहिए। बाकी कोई आ गया तो I2 बनाएंगे। अब NO2- NO3- में चेंज हो जाएगा और SO3- 2 SO4- 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, MN+2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये थायोसल्फेट बोलते हैं या हाइपो, ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसका लॉजिक क्या है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा फर्स्ट वाला, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीडाइजिंग को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन देकर हायर ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा और दूसरा लेकर लोअर में चला जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों ये एसिडिक और न्यूट्रल वाली आप रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। हमने ऑक्सलेट के साथ में रिएक्शन कराई, ऑक्सलेट की रिएक्शन देखते ही हमने एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन ऊपर से कॉपी पेस्ट कर ली जो आपके दिमाग में पेस्ट थी। अब ऑक्सलेट हमें पता है हमेशा CO2 में ही कन्वर्ट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, 2। अब MN को चाहिए 5 और ऑक्सलेट ने लूज किए 2, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए हमने एक को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे को 2 से, और सारी इक्वेशनों को ऐड करके नीचे लिख दे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आजकल एग्जाम में ऑक्सलेट वाली जो रिएक्शन है उसमें ये रिएक्शन को H2 ऐसे करके दे देता है कि ऑक्सलिक एसिड की रिएक्शन कराओ, तो जब ऑक्सलिक एसिड की रिएक्शन कराएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 2H+ और आ जाएंगे। जब 2H+ आ जाएंगे तो जब हम टोटल H लूज करेंगे तो अब हमने इसको क्या किया, कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10H हो जाएंगे और 10 से ये 16H कट जाएंगे, तो फिर ये रिएक्शन ठीक है ना, कितने H+ बनेगी। अब कुछ बच्चे इसको जब याद कर लेते हैं तो वो 16H देखते ही ठीक कर देते हैं और रिएक्शन गलत हो जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना, ऑक्सलेट आयन आया तो 16H आएंगे और ऑक्सलिक एसिड आया तो फिर हमको सिर्फ 6H मिले। अब हम रिएक्शन करते हैं, अगली रिएक्शन है KI के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन KI के साथ करेंगे तो बच्चों ये तो आप जानते ही हो, फिक्स रिएक्शन है, हमने कॉपी कर ली। अब 2I- हमने यहाँ देखा है, I- हमेशा I2 में कन्वर्ट होता है, तो हमने 2I- को I2 में कन्वर्ट कर दिया और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, KMnO4 वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और I वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं H2S के साथ। जब हम H2S के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये तो देखो फिक्स है ही, हमने इसको लिया और कॉपी कर लिया, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, आप चाहे हंस के करो या रो रो के करो कि कैसे याद होगी, याद करनी ही पड़ेगी। और जो सल्फर माइनस टू था H2S का, वो हम जानते हैं हमेशा सल्फर में ही कन्वर्ट होता है, फिक्स है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया कितने से, 5 को, दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, दोनों को ऐड करके लिख दिया।
अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे एसएन सीएल टू के साथ में। एसएन सीएल टू में टिन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है, तो हमने क्या किया, MnO4 वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया और टिन प्लस टू को यहाँ लिख लिया, क्योंकि सीएल के इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी क्योंकि वो लोएस्ट में है। तो अब जो एसएन में प्लस टू था, हम जानते हैं ये हमेशा प्लस फोर में कन्वर्ट होगा और इस सारे ही प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, टू। दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए हम इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को हम बैलेंस करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं KMnO4 की कुछ और जब हम KMnO4 की नेक्स्ट रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमने एसिडिक मीडियम में MnO4 की रिएक्शन को फिर से कॉपी कर लिया। MnO4- प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn+2 और 4H2। अब जो NO2 है वो बच्चों हमेशा ही NO3 में कन्वर्ट होता है, लेकिन NO3 के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए तो हमने एक H2 की रिएक्शन कराई जिससे ये तो NO3 में कन्वर्ट हो गया और ये 2H+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमें बराबर करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे को हम कर देंगे कितने से बच्चों मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे हम कितने से, 2 से। ठीक है, और दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिख देंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। जब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ, तो हमने MnO4 की रिएक्शन को एज इट इज फिर से कॉपी कर लिया और हम जानते हैं SO2, SO3 या सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सल्फेट बनाएंगे तो हम दो ऑक्सीजन जोड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर SO3 बनाया है और SO3 बनाने के लिए एक H2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 से प्लस 6 हो गई। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करने के लिए KMnO4 वाली इक्वेशन को 2 से और SO2 वाली इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम KMnO4 की नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे FeSO4 के साथ में। FeSO4 में सल्फेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन 6 है, तो इसमें आयरन प्लस 2 था। हमने सबसे पहले MnO4 को एज इट इज कॉपी किया, ठीक है ना। जब हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया तो हमने MnO4 वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया और क्या देखा, वही इक्वेशन बार बार आ रही है। ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, आपको हर हालत में लर्न करनी पड़ेगी। और हमने क्या किया, Fe प्लस टू को Fe प्लस थ्री में कन्वर्ट कर दिया। ये फिक्स है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ Fe प्लस टू प्लस थ्री में कन्वर्ट होता है। अगर हम इस KMnO4 की जगह ओजोन H2O2 H2SO4 HNO3 या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते तब भी Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री में ही कन्वर्ट होता। अब हम देखते हैं सल्फाइड के साथ रिएक्शन। सल्फाइड का मतलब SO3 माइनस टू। हमने MnO4 वाली रिएक्शन को एज इट इज कॉपी कर लिया और आप देख सकते हैं SO3 माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो SO3 माइनस हमेशा सल्फेट में कन्वर्ट होता है, सल्फेट में कन्वर्ट होगा और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का चेंज आएगा। तो MnO4 वाली रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए और SO3 वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिख दी। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन की तरफ। जब हम KI के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो I- हमेशा I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब हम एल्कलाइन मीडियम में करते हैं तो अब बच्चों नोटिस करना I- सीधा ही IO3 में कन्वर्ट हो जाएगा
और MnO4 अब Mn+2 नहीं बनाएगा जैसा एसिडिक में बन रहा था, अब ये बनाएगा, अब ये बनाएगा कौन सा, अब ये बनाएगा बच्चों MnO2। तो आप देख सकते हैं MnO4 नेगेटिव तो बदल जाएगा MnO2 में और I- कन्वर्ट हो जाएगा IO3। अब हम इसकी लास्ट केमिकल रिएक्शन, सेकंड लास्ट केमिकल रिएक्शन, जब हम थायोसल्फेट से इसकी रिएक्शन कराते हैं, थायोसल्फेट से रिएक्शन कराने पर ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये दो रिएक्शन कॉम्पिटिटिव और ट्वेल्थ दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अल्कलाइन के MnO4 की रिएक्शन कराते हैं, ये ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिटेल में है, तो हम इसको बेयर्स रिजेंट कहते हैं। इसकी जगह हम न्यूट्रल के MnO4 भी लगा यूज कर सकते हैं और वहाँ पर इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मीन्स है कि एल्कीन को या डबल एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम दो OH लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके बीच में से पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हमने दो OH लगा दिए और MnO2 कलरलेस हो गया। जब हम, तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और अल्कलाइन के MnO4 डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगाता और ये सिस डायोल बनाता। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट है, जब हम MnO4 की रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में Mn+2 से कराते हैं, मतलब MnSO4 से, तो अब हमें पता है MnO4 अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और Mn+2 भी MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आ सकती है। और लास्ट रिएक्शन, जब हम KMnO4 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड बन जाता है। ये रिएक्शन प्योर कॉम्पिटिटिव के लिए, ट्वेल्थ में ऐसी कोई रिएक्शन NCERT में गिवन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एक दो मिनट की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करने। जो SnCl2 है, SnCl2 इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कभी भी आ जाए तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है SnCl2 के बारे में, LDIHD के बारे में और H2S के बारे में। ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम SnCl2 से HgCl2 कैलोमल का रिडक्शन करते हैं तो हमको HG मिल जाता है। और अगर हम इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ करते हैं मर्क्यूरिक सब्लिमेट, तो पहले हमें HgCl2 मिलता है जो बाद में HG में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम SnCl2 की रिएक्शन Fe से कराते हैं तो SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि Fe+2 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में +3 में कन्वर्ट होता है और Fe+3 किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में +2 में कन्वर्ट होता है। लास्ट रिएक्शन है टिन की, जब हम SnCl2 की रिएक्शन AuCl3 के साथ में कराते हैं तो हमें SnCl4 और Au मिल जाता है। Au के इस कोलाइडल सॉल्यूशन को पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं, जिसको हम कोलाइडल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अगर हमने SnCl2 की जगह पर AuCl3 के साथ में एल्डिहाइड की रिएक्शन की होती तो फिर इस बने हुए गोल्ड को पर्पल ऑफ कैसियस नहीं बोलकर हम इसको बोलते। हम बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ गए हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जब हम नेस्लर रिजेंट की रिएक्शन NH3 से कराते हैं, ये ट्वेल्थ क्लास के एनालिटिक केमिस्ट्री में जीरो ग्रुप में अमोनियम का बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है और नेस्लर रिजेंट अमोनिया के साथ में ब्राउन कलर देता है और जो मिलन ऑफ आयोडाइड या मिलन बेस के नाम से जानता है। तो हम नेस्लर रिजेंट कैसे बनाते हैं, जब HgI2 और KI की रिएक्शन करते हैं तो हमें K2HgIO4 मिल जाता है और जब इस K2HgIO4 और KOH को मिलाकर बच्चों नेस्लर रिजेंट कहते हैं। जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका नाम होता है मिलन ऑफ आयोडाइड। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस पेपर एंड फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री टीचर।
तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो हम सबसे पहले देखते हैं लेंथेनाइड होते क्या हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट तीन सेल पार्शियली फिल्ड हों तो हम उसको लेंथेनाइड या एक्टिनाइड कहते हैं, और जिनके दो पार्शियली फिल्ड हों उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन यह है कि अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंटर करे तो हम उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि एन एस टू, अब डी का नंबर एन से एक कम होगा तो अगर ये 6s है तो ये 5d होगा, और F का नंबर दो कम होगा तो ये हो जाएगा 4F, 5D और 6S, और एक्टिनाइड में ये 7S, 6D और 5F। ठीक है, अब इनको लेंथेनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंटों को लेंथेनाइड कहते हैं और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट को एक्टिनाइड कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है लेंथेनम किस ग्रुप का है, तो कुछ बच्चे भैया फंस जाते हैं और वो सोचते हैं लेंथेनाइड नहीं, लेंथेनाइड सीरियम से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनाइड थोरियम से स्टार्ट होते हैं। हम पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं लेंथेनाइड को याद करने की ट्रिक कि लेंथेनाइड को याद कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा सीरियम, तो कैसे याद करते हैं, सिर पर नदियां प्रेम समाई, फिर से बोलता हूं, सिर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम अभी लुल हो। तो ये थे लेंथेनाइड को याद करने का तरीका, और अब हम देखते हैं एक्टिनाइड को याद करने का तरीका। तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। इसको LW और LR दोनों ही कहते हैं, पर आजकल LR ज़्यादा कॉमन है तो मैं इसे कर देता हूँ LR। तो लेंथेनाइड को याद करने की ट्रिक हुई क्या, सिर पर नदियां प्रेम समाई, सिर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम अभी लुल हो। और एक्टिनाइड को याद करने की मेथड हो गई, तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। अब आया कॉन्फ़िगरेशन की बारी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ज़्यादा है। तो बच्चों को याद रहना चाहिए लेंथेनाइड में कभी भी F2, ठीक है ना, और F8 कभी नहीं आएगा। तो लेंथेनाइड में बच्चों क्या नहीं आएगा, F2 और F8 कभी नहीं आएगा, जबकि एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय F1, F5 और F8 कभी नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो 6s2 पर हम जानते हैं 6s2 पर 56 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना, और 5d1 पर 57 हो जाते हैं, और ये लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब 58 में इलेक्ट्रॉन F में जाएगा तो ये हो जाएगा 4F1। अब अगले PR में तो ये दो तो देखो कॉमन होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, F1 के बाद में F2 आएगा, पर हम जानते हैं F2 होता ही नहीं है, इसलिए डी वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके एफ में चला जाता है और एफ F2 से F3 में कन्वर्ट हो जाता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट एनडी की तरफ। तो एनडी में एफ थ्री के बाद में ये कितना हो जाएगा, एफ फोर हो जाएगा, और एफ फोर के बाद में पीएम में प्रोमिथियम में ये हो जाएगा फाइव, फोर एफ फाइव। प्रोमिथियम लेंथेनाइट सीरीज का एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब बच्चों फाइव के बाद क्या आएगा, सिक्स, तो सेमेरियम में एफ सिक्स हो जाएगा, और फिर यूरोपियम में सिक्स के बाद कितना आएगा, सेवन, तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन सेवन हो जाएगा। अब सेवन के बाद बच्चों क्या होगा, सेवन के बाद में एट में जाना चाहिए, पर एफ फोर एफ सेवन हाफ फील्ड हो गई है, तो ये अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गैडोलियम का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, तो गैडोलियम हमारा एक्सेप्शन हो गया। अब यूरोपियम के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, यूरोपियम में मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट बहुत सबसे कम होता है, या इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डेविएशन पाया जाता है, और यूरेनियम यूरोपियम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। अब टर्बियम, टर्बियम के बाद हम देखेंगे एफ सेवन के बाद में ये एफ एट होना चाहिए, तो जब हम इसको एफ एट करेंगे तो हम जानते हैं इसमें एफ एट होता ही नहीं है, जब एफ एट होता ही नहीं है तो क्या करेंगे, डी वाले को वापस से हम एफ में भेज देंगे, तो टीबी भी एक एक्सेप्शन हुआ। अब एफ के बाद अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, 10 में चला जाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन 11 में चला जाएगा, और इसके बाद में क्या होगा, एफ 12 हो जाएगा, एफ 12 के बाद में क्या होगा, एफ 13 हो जाएगा, और एफ 13 के बाद में 14 हो जाएगा। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो तो भर गया 14, तो वो वापस इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, D1 में चला जाएगा। तो हमने इस तरह लेंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या सीखा, कि लेंथेनाइड में कभी भी F2 और F8 नहीं आएगा, जब भी F8 कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाएं कि एक्सेप्शन है और उसको करेक्ट कर दें। अब हम चलते हैं एक्टिनाइड की तरफ, एक्टिनाइड में 7S2 पर रेडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 88 हो गया, और D1 और ये D1 हो जाएगा, लेकिन D1 तो 89 हो जाएगा, तो एक्टिनियम अब F1 में जाना चाहिए, पर F1 होता ही नहीं है, इसलिए F वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये F1 होगा, पर F1 होता नहीं, तो वापस D का इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर से F में चला जाएगा, तो F2 हो जाएगा, और फिर आप देख रहे हैं कॉमन होगा, फिर F3 हो जाएगा। ठीक है ना, पर आपको याद क्या रखना है कि इसमें कभी भी 5F5 नहीं होगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, F में, और 5 हो जाएगा, पर 5 होता नहीं, तो ये वाला D वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके F में चला जाएगा, तो F में 5 की बजाय 6 हो जाएंगे। अब फिर कॉमन है 7 हो जाएंगे, 7 हाफ फील्ड हो गया है, तो CM में ये D में चला जाएगा। अब जब हम BK का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 7 के बाद बच्चों क्या आना चाहिए, 8, अब 8 होता ही नहीं है, जब 8 होता नहीं है तो जैसे ही 8 होगा तो D वाला इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करके F में आ जाएगा, तो F9 हो जाएगा, फिर F10 हो जाएगा, और F10 के बाद में ये F11 हो जाएगा, और F11 के बाद में F12 हो जाएगा, और F12 के बाद में F13 हो जाएगा, और F13 के बाद में F14 हो जाएगा, 14 से ज़्यादा F में आते ही नहीं है, तो फिर वापस से लॉरेंशियम में इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या सीखा कि 4F में कभी भी F2 और F8 नहीं आएगा, जबकि 5F में कभी भी 5F1, 5F5 और 5F8 नहीं आएगा,
ये कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। वेलकम बैक इन केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का साइज, ठीक है ना, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेंथेनाइड का जो साइज होता है वो लेंथेनाइड का जो साइज होगा वो क्या होगा, लेंथेनम से लेकर और एल्यू तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और एक्टिनाइड में एक्टिनियम से लेकर और लॉरेंशियम तक डिक्रीज करता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एज एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इंक्रीजेस देयर साइज डिक्रीजेस विच इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लेंथेनम से लेकर एल्यू तक आप देख रहे हैं लगातार साइज डिक्रीज कर रहा है, इसको हम कहेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, लेंथेनाइड में ये 6s होगी, ये 4f होगी और ये 5d होगी और ये 4f होगी। अब आप देख सकते हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशन से कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में फिलअप हो जाएगा, s के बाद d में इनके इलेक्ट्रॉन एक या दो होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 5f और 4f में। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा प्रोटॉन तो जाएगा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4f या 5f। और हम सब जानते हैं कि 4f और 5f की शील्डिंग पावर बहुत पुअर होती है। शील्डिंग पावर का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पुल करता है अट्रैक्टिव फोर्स से, और अंदर के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये सारे ये उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, उसको हम शील्डिंग कहते हैं। अब 4f और 5f की शील्डिंग पावर पूरी केमिस्ट्री में सबसे पुअर होती है, तो 4f और 5f इलेक्ट्रॉन 7s और 6x इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे। तो जब रिपेल नहीं करेंगे तो s में और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब न्यूक्लियस और s के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर जाएगा तो बच्चों फिर s सेल किधर जाएगी, s सेल अंदर की साइड में श्रिंक हो जाएगी और लेंथेनाइड का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो अब रीजन क्या हुआ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस प्रोटॉन गोज टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सब सेल हैविंग वेरी लेस शील्डिंग पावर, सो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज ऑन एस इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड डिक्रीजेस। अब हम देखेंगे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से इनकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा। करीब करीब सारे ही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के साइज इक्वल हो गए। अब जब सारे ही इक्वल हो जाएंगे तो उनको सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट डिफिकल्टी क्या आई या प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जामों में आती है, कि बेसिक करेक्टर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का बेसिक करेक्टर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे डिक्रीज करता है। तो सबसे बेसिक कौन होगा, लेंथेनम। क्यों होगा, क्योंकि लेंथेनम का साइज सबसे बड़ा है। उससे थोड़ा कम बेसिक होगा गैडोलियम और गैडोलियम से थोड़ा कम बेसिक होगा एल्यू। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं कि लेंथेनम सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है। हम देखते हैं लेंथेनम ज्यादा बेसिक क्यों है एल्यू से। तो आप देख सकते हैं लेंथेनम का साइज सबसे बड़ा है।
जब इसका साइज बड़ा होगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो आप देख सकते हैं क्या होगा। जब ऑक्सीजन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड अपना OH बॉन्ड इजिली दे देगा। जबकि एल्यू में साइज बहुत छोटा है, छोटे साइज की वजह से एल्यू का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से ये ऑक्सीजन को एल्यू ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो मेटल और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो है कमजोर वीक, और मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है स्ट्रांग। तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये OH देगा, OH नहीं देगा। जबकि Na में मेटल और O का बॉन्ड वीक होता है, तो ये बॉन्ड यहां से आसानी से टूट जाता है और जल्दी से OH देता है। तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा गैडोलियम हाइड्रोक्साइड से, और गैडोलियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड से, एलियो हाइड्रोक्साइड से। हम चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम देखते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या लेंथेनाइड एक्टिनाइड के ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ही होता है। अब आप सबसे पहले तो क्या समझते हैं, लेंथेनाइड का साइज एक्टिनाइड से ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट लेंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और एक्टिनाइड की ज़्यादा, पर होता है उल्टा। एक्टिनाइड हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड। तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसको अपने दिमाग में फीड कर लो, क्या कि लेंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनाइड के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती। अब हम सीखेंगे क्यों। तो हम देखते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है और ये 4F सेल है और ये 5F सेल है। वैसे तो दोनों ही F हैं, दोनों के लोब बराबर होंगे, ठीक है ना, लेकिन 4F की पेनिट्रेशन पावर, 4F की पेनिट्रेशन पावर 5F की पेनिट्रेशन पावर से ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर का मीन्स होता है कौन सा सबसेल या सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। तो आप देख सकते हैं 4F तो ये रहा, 4F यहाँ पर है जबकि 5F बाद में है, तो 5F की पेनिट्रेशन पावर कम है, मतलब 4F न्यूक्लियस के करीब है। तो 4F मींस लेंथेनाइड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा एक्टिनाइड के 5F इलेक्ट्रॉन की कमी। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में S, D और F तीनों ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी थोड़ी सी टिपिकल होती है। फिर भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों की ही कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, मतलब सबसे ज़्यादा। इसके अलावा लेंथेनाइड +2 +4 दिखाते हैं, लेकिन एक्टिनाइड +3 के अलावा +4 +5 +6 भी दिखाते हैं और 7 तक भी जाते हैं। अब बच्चा पूछेगा कि लेंथेनाइड कम क्यों दिखाते हैं और एक्टिनाइड हायर क्यों दिखाते हैं। तो हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 4F की ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर की वजह से लेंथेनाइड का आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो लेंथेनाइड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो अब हमने बच्चों यहाँ पर क्या सीखा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लेंथेनाइड इसके अलावा +2 और +4 कॉमन दिखाता है, जबकि एक्टिनाइड आप देख सकते हैं इसके अलावा 7, 6 या हायर भी दिखाता है, जबकि
लेंथेनाइड में ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। अब हमने इसमें मोटा मोटा क्या पकड़ा कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 स्टेबल होती। तो आप देखें यहाँ पर ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सीरियम प्लस 4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो हमें पता है कि सीरियम प्लस 4 अनस्टेबल है और ये प्लस 3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो जब ये प्लस 3 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो आप जानते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट कोई भी करता है ठीक है ना, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यह इसका दूसरा आंसर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए सीरियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम पढ़ते हैं, वाई सेमेरियम प्लस 2 यूरोपियम प्लस 2 वाई बी प्लस 2 रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे क्या होते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा क्या कि प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, तो जितने भी प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो बच्चों किस में कन्वर्ट करने होने की कोशिश करेंगी, वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगी प्लस 3 में, और जब प्लस 2 प्लस 3 में कन्वर्ट होगा तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन दिखाता है, तो लेंथेनाइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दिखाते हैं, और उसके बाद में यूरेनियम और एमरिशियम। एमरिशियम ऑलरेडी नीट के एग्जाम में आ चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लेंथेनाइड एंड लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के मैग्नेटिक बिहेवियर में काफ़ी वेरिएशन आता है, और सारे एक्टिनाइड पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और एक्टिनाइड भी और लेंथेनाइड भी, और इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों पर ही डिपेंड करता है, मतलब एक्सियल मूवमेंट और ऑर्बिटल मूवमेंट दोनों पर ही डिपेंड करता है। इनका हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए ये स्पिन स्पिन फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, क्योंकि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट में एक्सियल रोटेशन और ऑर्बिटल रोटेशन दोनों ही लेते हैं, इसलिए इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में काफ़ी वेरिएशन आता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि किस एलिमेंट में मैग्नेटिक मूवमेंट में मैक्सिमम डेविएशन आता है, तो आप देख सकते हैं सेमेरियम और यूरोपियम में मैक्सिमम डेविएशन प्रेजेंट होता है, जबकि डायस्पोरियम मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से यही दो क्वेश्चन नीट और जेई लेवल पर आ सकते हैं कि कौन सा लेंथेनाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम डेविएशन दिखाता है, और मैक्सिमम डेविएशन दिखाने वाला एलिमेंट कौन है, यूरोपियम। यूरोपियम का ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्मॉल साइज और हाई चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, और हम जानते हैं लेंथेनाइड का साइज बड़ा होता है, इसलिए एक्टिनाइड के कंपैरिजन में लेंथेनाइड कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपके एग्जाम में आने के लायक। तो लेंथेनाइड का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, या इसका फॉर्मूला हम सिंपल लिखें CNO3 6+2। तो इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट प्राइमरी अल्कोहल के साथ रेड कलर देता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कि सीरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, क्योंकि NO3 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये 2 लोन पेयर देता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में सीरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ये IIT और नेट के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, अब हम दोनों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं।
लेंथेनाइट प्लस थ्री के अलावा टू और फोर दिखाता है, जबकि एक्टिनाइट थ्री के अलावा हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा दिखाता है। लेंथेनाइट के ज्यादातर आयंस कलरलेस होते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जबकि ज्यादातर एक्टिनाइट कलर दिखाते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेंथेनाइट के कंपैरिजन में कम होती है। सारे लेंथेनाइट रेडियो एक्टिव नहीं होते, सिर्फ एक पीएम है या प्रोमिथियम जो रेडियो एक्टिव नेचर दिखाता है, जबकि सारे के सारे एक्टिनाइट रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि लेंथेनाइट की 4F की पेनिट्रेशन पावर बहुत हायर होती है, तो वो न्यूक्लियस के करीब होता है इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, जबकि एक्टिनाइट लेंथेनाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि 5F की पेनिट्रेशन पावर 4F से ज़्यादा कम होती है, तो 5F से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऑक्सो आयंस नहीं बनाते, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लेंथेनाइड ऑक्सो आयंस नहीं बनाते या ऑक्सोनियम आयन नहीं बनाते। अब बच्चे कहेंगे ऑक्सोनियम आयन क्या होते हैं, हमने देखे हैं कार्बोनेट माइनस टू होता है, सल्फेट माइनस टू होता है, फॉस्फेट माइनस टू होता है, क्रोमेट माइनस टू, क्रोमेट डायक्रोमेट माइनस टू, मीन्स ऑक्सीजन के सारे ही कंपाउंडों पर माइनस चार्ज होता है। लेकिन आप देख सकते हैं जब एक्टिनाइड ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो यूरेनियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर में आ गया, तो इसके ऊपर प्लस टू चार्ज हो गया, और जब किसी आयंस पे प्लस टू चार्ज होता है तो हम उसके नाम में ईएम लगा देते हैं। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है जो सिर्फ एक्टिनाइड बनाते हैं, लेंथेनाइड नहीं। हम लेंथेनाइड के लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं और वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये किसी भी एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब हमें पता है इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस थ्री, तो जब लेंथेनाइड की रिएक्शन हैलोजन से कराएंगे तो LnX3 बन जाएगा, जब हम इसकी रिएक्शन OH हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो LnOH थ्राइस बन जाएगा, और जब हम इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन से कराएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर थ्री होती है इसलिए LnN बन जाएगा, जब हम सल्फर की रिएक्शन कराएंगे सल्फर की वैलेंसी टू होती है इसलिए Ln2S3 बन जाएगा, ऐसे ही जब हम ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Ln2O3 बन जाएगा। तो सारे लेंथेनाइड एक्टिनाइड हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट यूज, लेंथेनाइड के यूजेज की तरफ, और इसका पहला यूज है मिस मेटल। मिस मेटल को हम पायरोफोरिक मेटल भी कहते हैं, ये सारे ही एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आ भी चुका है। पायरोफोरिक मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कहीं पर रिगड़ने से इसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं, इसलिए इसका यूज़ हम लाइटर और बुलेट बनाने में करते हैं। बुलेट का मतलब बंदूक की गोली बनाने के लिए करते हैं, जब हम बंदूक की गोली के पीछे मिस मेटल लगा देते हैं और जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो ट्रिगर जाकर मिस मेटल से जब टकराता है तो स्पार्क निकलती है और उससे बारूद फट जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़, हमने सुना होगा रेवन के चश्मे बहुत महंगे आते हैं या सनग्लासेस बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने की पावर होती है, इसलिए उन रेवन के ग्लासेस में हम सीरियम ऑक्साइड को मिला देते हैं, और इस ग्लास को हम क्रुक्स ग्लास कहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव का अच्छा क्वेश्चन। पूरे लेंथेनाइड में सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट डायस्पोरियम या DY दिखाता है और लोएस्ट एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट सैमेरियम और यूरोपियम का होता है। अगला यूज है गैडोलियम सल्फेट की हेल्प से हम लोएस्ट टेम्परेचर इतने केल्विन 0.0002 केल्विन टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं, और एक
सीरियम नाइट्रेट का यूज हम प्राइमरी अल्कोहल के टेस्ट में डिटेक्ट करने के लिए करते हैं और सीरियम सल्फेट का यूज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें।